हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं माथेरान जा रही हूँ, जो कि मुंबई से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। माथेरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित प्राकृतिक खूबसूरती से भरा एक छोटा सा हिल स्टेशन है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माथेरान हिल स्टेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माथेरान में टॉय ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, टॉय ट्रेन का टिकट का कॉस्ट क्या होगा, स्टे करने के लिए होटल्स और रूम्स वो भी लो प्राइस पर कहाँ मिलेंगे, साथ ही में अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो हॉर्स राइडिंग की कॉस्ट क्या होगी, अगर आप फूडीज लवर हैं तो इस वीडियो में मैं आपको फूड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, और माथेरान में आपको घूमने के लिए कितना बजट आने वाला है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप माथेरान अपनी कार या बाइक से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको नेरल स्टेशन आना होगा, जो कि माथेरान का करीबी रेलवे स्टेशन है। नेरल स्टेशन पहुंचने के बाद आपको टैक्सी स्टैंड जाना होगा, जहां बहुत सारी टैक्सी माथेरान के लिए मिल जाएगी। आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसके लिए पर पर्सन 100 रुपीज पे करना होगा और बच्चों के लिए 50 रुपीज। तो अभी मैं माथेरान जाने वाले रास्ते में हूँ, जो कि नेरल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपको 30 मिनट लग सकता है माथेरान पहुँचने में। तो अभी मैं माथेरान पहुंच चुकी हूं, और ये है पार्किंग एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप अपने टू व्हीलर से आते हैं तो आपको 60 रुपीज़ पे करना होगा, और यदि आप फोर व्हीलर से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पहुँचने के बाद अब आपको यहाँ से माथेरान में एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट लेना होगा, जो पर पर्सन 50 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 25 रुपीज़ है। बड़े शहरों से इसकी निकटता के कारण माथेरान शहरी नागरिकों के लिए एक वीकेंड बिताने के लिए लोकप्रिय स्थल है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित है। मुंबई, पुणे, नासिक और सूरत के लोगों के लिए तो यह पसंदीदा जगह है ही, लेकिन अब उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों को भी यह स्थान अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। टांगा राइड करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 600 से लेकर के 4,500 तक हो सकता है। फ्रेंड्स,
प्लस अगर आप माथेरान में हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 300 से लेकर 4,500 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सा पॉइंट घूमना है। आप यहां जैसे ही एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड में टॉय ट्रेन के लिए टिकट काउंटर है, तो आप यहां से टिकट ले सकते हैं, जो कि पर पर्सन 45 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप टॉय ट्रेन में फर्स्ट क्लास से जाना चाहते हैं तो आपको 305 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 45 रुपीज़ का ही टिकट लीजिए। ये है अमन लॉज रेलवे स्टेशन और अब मैं यहाँ से रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए पैदल ही जाने वाली हूँ अपने होटल, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर है। फ्रेंड्स, टॉय ट्रेन के जरिए आप अमन लॉज रेलवे स्टेशन से माथेरान के मेन मार्केट तक पहुंच सकते हैं, जिसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। और टॉय ट्रेन बहुत स्लो चलती है, जिसके कारण इसे 20 मिनट लगता है 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो फ्रेंड्स, ये है टॉय ट्रेन। आप यहाँ अपने लगेज का ख्याल रखें, क्योंकि बंदर यहाँ टॉय ट्रेन से भी आपका सामान निकाल सकते हैं। अब मैं आपको टॉय ट्रेन की टाइमिंग बता देती हूँ। यहाँ हर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको ट्रेन मिल जाती है। फ्रेंड्स, फूड के लिए आपको माथेरान के मेन मार्केट जाना होगा, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाएंगे। नहीं तो जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पर फूड मिल जाएगा। अगर आप माथेरान में स्टे करने का सोच रहे हैं तो आपको यहां 700 से लेकर के 3000 तक के बीच का होटल मिल जाएगा। ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। मैं अभी यहाँ समर में आई हूँ, बट यहाँ आने का असली मज़ा मानसून में है, क्योंकि उस समय यहाँ चारों तरफ कोहरा, हवा में तैरते बादल और भीगा भीगा मौसम होता है। सो गाइस, अभी मैं अपने होटल पहुंचने वाली हूं। वहां जाकर मैं फ्रेशन अप होकर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको माथेरान में कितने पॉइंट्स है, आप कैसे घूम सकते हैं, आपको कितना समय लगेगा, ये सारी जानकारी उस वीडियो में दूंगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।